हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि हमने कहा था, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे। तो इसका टाइम पीरियड 3300 से 1700 BC है। आप इसका टाइम पीरियड ध्यान दीजिए। तो ये चालकोलिथिक एज से ओवरलैप करता है, आयरन एज से ओवरलैप करता है। तो कई ऐसे हमें एविडेंस और डिस्कवरीज हैं जो कि चालकोलिथिक के साइड की भी हैं, आयरन एज के साइड की भी हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आती हैं। तो इससे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझें, हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को समझ लेते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ आप सब लोगों से। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द हिस्ट्रीज। फिर फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वॉन रैंक, ही वॉज अ जर्मन। देन देयर कम्स दिस फ्रेज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये फ्रेज दिया था हीगल ने, ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे। फिर आ जाते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। आप लोग को याद हो MCQ में भी हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे और हमने तब भी कहा था आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज का भी डिस्कवर एविडेंस किए थे, जैसे कि हैंड एक्स पल्लावरम में इन्होंने ही डिस्कवर किया था। फिर आ जाते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी अपॉइंटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वॉज फाउंडेड इन 1861, कब? इन द रीन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन। देन कम्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ था 1851 में, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और इसका हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन, जब आप ये सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? रुइंस, कि एक टाइम था जब एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जहाँ पे लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, ट्रेडिंग चल रही थी, पर अब वो नहीं है। तो इस लाइफस्टाइल को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितनी दूर तक, कितना इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट था इस सिविलाइजेशन का। तो नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ से लेके साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में वहाँ तक था, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, से लेके वेस्ट में सुदकनगदौर जो कि बलूचिस्तान में आज की तारीख में वहाँ तक ये फैला हुआ था। मांडा एक चिनार रिवर के किनारे है, दैमाबाद नर्मदा या कह लीजिए प्रवरा रिवर के किनारे था, आलमगीरपुर हिंदन या कह लीजिए यमुना रिवर के किनारे था और सुदकनगदौर दशक या दश्त रिवर भी कहते हैं उसे, उसके किनारे था। तो ये था इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो अगर आप इन चारों शहर पे ध्यान दें तो ये नदी के किनारे स्थित हैं, लॉजिकल सी बात है, इन लोग को इतना पता था कि नदी के किनारे रहना ही ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे डेली लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पानी हमें बहुत जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी नाम दिए गए, पहला है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इसका मतलब ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा होता था, ब्रॉन्ज हमारा बनता है कॉपर प्लस टिन से। इसको हम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु नदी जो कि शुरू होती है मानसरोवर लेक। और सरस्वती नदी के बारे में आप लोग को ये पता होगा कि विलुप्त हो चुकी है, इसके होने के प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली अगर मैं आप लोग को अपडेट कर दूं तो मिले भी हैं, ऐसे साक्ष्य ऐसी डिस्कवरी एविडेंस मिले हैं जो बताते कि हाँ एक समय पे सरस्वती नदी थी। तो चलिए मैं आप लोग को अब ये भी बता दूं कि इस सिविलाइजेशन की खोज शुरू कहाँ से हुई। एक इंसान थे चार्ल्स मेसन नाम के, 1826 में वो अपने कुछ काम से वेस्ट के साइड जब गए तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया कुछ रुइंस जिसको हम लोग आज की तारीख में सिंधु रुइंस कहते हैं। फिर 1826 के बाद, अब आप 1826 की बात है तो इसका मतलब ब्रिटिश काल चल रहा था, तो जो भी कारण रहा हो खैर इसमें डिस्कवरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 1920 में जब सर जॉन मार्शल अपॉइंट किए गए एज डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी आगे कंटिन्यू कराई। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हरप्पन टिला डिस्कवर किया, एक्सक्यूवेट किया जो कि रवि नदी के किनारे था। और 1922 में आरडी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो का टिला का डिस्कवर किया जो कि सिंधु नदी के किनारे था। तो इस तरह हमें पहली डिस्कवरीज हमारी जो हुई वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तब हुई, इन लोगों के द्वारा हुई। नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, MCQs में पूछा जाता है।
अब इनकी डिस्कवरीज को जानने के पहले हम इनकी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात एक ये हो जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि हरप्पन वॉज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। द अदर कैपिटल वॉज मोहनजोदारो, दैट्स करेक्ट। ये सिविलाइजेशन में दो कैपिटल्स थी, ट्विन कैपिटल्स, वन वॉज हरप्पा एंड द सेकेंड वॉज मोहनजोदारो। तो हम इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डिस्कस करते हैं हरप्पन कल्चर की, तो पहली आ जाती है टाउन प्लानिंग। तो हमें वहां से मिलता है कि जो इनका शहर था, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये ऑलमोस्ट सारे शहर में इनकी यही कॉमन चीजें थी कि जो इनका शहर था ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक अपर पार्ट था एक लोअर पार्ट था। अपर पार्ट में हमें सिटाडल मिलता है, दैट इज फोर्टिफिकेशन, की एक महल टाइप का बना हुआ है, और बाकी नीचे लोअर पार्ट था जो कि कॉमन पीपल के लिए रहा होगा। दूसरी चीज हमें वहां से ये मिलती है कि जो वहां की स्ट्रीट्स और लेन्स थी वो एक दूसरे को कट ऐसे की हुई थी, एक दूसरे के क्रॉस गई हुई थी, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे कटी हुई थी। आप ये इमेज देख सकते हैं जिसकी किस तरह स्ट्रीट्स और लेन्स एक दूसरे से कटी हुई हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे। तो इससे हुआ क्या है, ऐसी लेन्स सिटी जो थी वो कई रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, जिसमें अलग अलग साइज के हाउसेस थे। जिस तरह ये स्ट्रीट्स लेन्स कटी हुई हैं, इनको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो हमारे टाउन प्लानिंग का पहला मेजर पॉइंट हो गया ग्रिड सिस्टम था। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है ब्रिक मेकिंग का, किस टाइप के ब्रिक्स ये लोग यूज करते थे। तो हमें जो एविडेंस मिले हैं, हमें बर्नड ब्रिक्स के एविडेंस मिले हैं हरप्पन सिटीज से, और साथ ही में उसी टाइम के दौरान इजिप्ट से हमें ड्राइड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, और उसी टाइम में ही मेसोपोटामिया से हमें बेक्ड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, और हमें अनबर्नड ब्रिक्स की भी एविडेंस मिलते हैं। अनबर्नड मतलब जो ईंट पकाई ना गई हो। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड साइज सेट था ब्रिक्स बनाने का, और ये जो प्रोडक्शन था ये काफ़ी लार्ज स्केल में हो रहा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके ड्रेनेज सिस्टम पे, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें हर घर से उनका खुद का कोर्टयार्ड, उनका खुद का वेल और उन्हीं के घर के अंदर बाथरूम के एविडेंस हमें मिले हैं, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल उस टाइम पे कि घर के अंदर हर घर में अपना एक खुद का बाथरूम है, जो बल्कि आज के टाइम पे भी नहीं है। और स्वच्छता अभियान के तहत सबको कहा जा रहा है कि घर में शौचालय बनवाएं, और उस टाइम पे 3300 से 1700 के बीसी के अराउंड हम नोटिस कर कि हर घर में उनका खुद का बाथरूम है। सेकेंडली, हर घर से जो वाटर फ्लो होके बाहर जाता था तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम था, घर के बाहर एक ड्रेन्स बनाए गए थे जिसमें पानी उसमें आए और बल्कि ना कि सड़क में जाए। तीसरा पॉइंट एक ये भी था कि हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस मिले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मैन होल्स के एविडेंस मिले हैं, जो कि दर्शाते हैं कि हाँ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनके एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हरप्पन सिविलाइजेशन की बैकबोन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इरिगेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। आपने नोटिस किया हो, इनकी अब तक हमने जितनी सिटीज और साइट्स बताई हैं वो सब नदी के पास हैं, तो प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है और उस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर मोस्टली ये विंटर्स में करते थे, फ्रॉम नवम्बर टू अप्रैल। वो इसलिए क्योंकि अप्रैल के बाद चांसेस हो जाते थे बाढ़ आने के, तो ये उस जगह पे फिर खेती बाड़ी नहीं करते थे और वहां से अपने क्रॉप्स पहले ही हार्वेस्ट करके हटा लेते थे। अब इन्होंने क्रॉप्स कौन से उस टाइम पे ज्यादा हार्वेस्ट होते थे, लेंटिल है, लेंटिल यानी मसूर, चिकपीस यानी चने, सेसमी यानी तिल, मिलेट्स मतलब बाजरा, राइस, कॉटन, इंडिगो मतलब नील, मस्टर्ड यानी कि सरसों, और इनके जो मेन क्रॉप्स थे वो थे वीट एंड बार्ले। साथ ही एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्होंने क्या कर रखा था, गबर बंस या नालास कह लीजिए, तो ये यूज होते थे वाटर स्टोर करने के लिए, पर वहां पे हमें किसी भी हरप्पन सिटी से चैनल या कैनाल इरिगेशन के एविडेंस नहीं मिले हैं। हमें वाटर रिजर्वायर्स के एविडेंस मिले हैं जिसमें वाटर स्टोर करते थे। अब ये इमेज है आपके सामने, जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि एक नॉर्मल डैम या वाटर रिजर्वायर में और तब के गबर बंस या कह लीजिए नालाज में क्या डिफरेंस था। नोटिस करिए कि एक नदी जा रही है जिसके साइड से इन्होंने छोटे छोटे एरियाज नाला टाइप काट के साइड से कर रखा है, तो उसमें पानी आके स्टोर हो जाता था, तो उसको वो लोग यूज करते थे। तो ये था इनका एग्रीकल्चर सिस्टम। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमें एविडेंस मिले हैं कि तब ऑक्सेस भी थे, बफलोस, गोट्स, शीप्स, पिग्स, कैमल्स यूज करते थे, एलिफेंट्स के हमें एविडेंस मिले हैं, डॉग एंड कैट्स एज अ पेट यूज होते थे, हॉर्स का भी हमें एविडेंस मिलता है, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ एक जगह से मिला है, वो है सुरकोताडा जो कि गुजरात में है। और हमें इंडियन राइनोसोरस का सिर्फ एक जगह से अभी तक ही एविडेंस मिला है, वो है आमरी जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है। तो ये सब एनिमल्स तब के नोन थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके ट्रेड की। तो ट्रेड में
जिनका बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें कोई कॉइन का एविडेंस वहाँ से नहीं मिला है। हमें सील्स बहुत मिली हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर ट्रेडर एक अपनी प्रॉपर सील यूज़ करता था, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स थे उस टाइम पे। तीसरी चीज़ हमें जो मिलती है, हमें एविडेंस मिला है स्मॉल टेराकोटा बोट्स की, ठीक है, सैम्पल्स। और लोथल में हमें ब्रिक का बना हुआ डॉक भी मिला है। डॉक उसे कहते हैं जहाँ पे बोट्स या शिप्स आके रुकते हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि सी रूट के थ्रू भी ट्रेडिंग होती थी। नेक्स्ट, इनके यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, इसके हमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें मैक्सिमम हमें एविडेंस मिले हैं बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग या फिर वेट मेकिंग। वेट मेकिंग मतलब कि जब तराजू में जो लोग वेट्स यूज करते हैं को कहते हैं वेट, तो उसको बनाने का भी हमें चान हुदारो नाम की जगह है जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, वहां से हमें इन सब के एविडेंस मिले हैं। और साथ ही हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन में शेल से ऑब्जेक्ट मेकिंग के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि बैंगल्स, लेडल्स। लेडल्स होता है जैसे करछुल जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, और इनले मतलब जो जड़ा जाए। तो इसके एविडेंस हमें मिलते हैं कहाँ से, नागेश्वर और बालाकोट से। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मेजरमेंट प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि एलिफेंट टीथ एक एविडेंस मिला है जिसमें हमें मेजरमेंट मार्क्स मिलते हैं। तो एक तरीके से ये लोग डिफरेंट चीजें यूज करते थे फॉर प्रॉपर मेजरमेंट। साथ ही में आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें हमने बताया है कि कौन सा मटेरियल उस टाइम पे कहाँ से इंपोर्ट होता था, मतलब उसके सोर्सेज क्या थे। क्योंकि फुल ऑन ट्रेड था, तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बन रही हैं, तो उसके लिए उन्हें मटेरियल भी चाहिए होता था। कौन सा मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट होता था, ये टेबल आपके सामने है। नेक्स्ट, अब हम ट्रेड के साथ उसी से ही कनेक्टेड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज सील्स एंड स्क्रिप्ट। तो हमने जो एविडेंस में पाया है उसमें ये पता चला है कि स्टेटाइट नाम का मटेरियल था जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फॉर मेकिंग सील्स। और जो सील्स में इंस्क्रिप्शन होती थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में होती थी। इसमें ये होता है कि इसमें रिटन के साथ साथ आप सिंबल्स और पिक्चर्स का भी यूज करते हैं। अभी तक इस स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। एविडेंस से ये भी पता चला है कि जो इनका राइटिंग स्टाइल था, दैट वाज कॉल्ड बूस्ट्रोफेडोन। इसमें ये होता है कि आपकी जो पहली लाइन है वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और फिर सेकेंड लाइन आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इसको हम प्रोटो द्रविणियन के नाम से भी जानते हैं, इट इज रिफर्ड एज प्रोटो द्रविणियन। मोस्टली जो हरप्पन इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं दैट आर शॉर्ट। जो लॉन्गेस्ट अभी तक हमें मिला है उसमें सिर्फ 26 साइंस मिले हैं, बट जैसा कि मैंने बताया ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है क्लियरली। जो फिगरीन्स हमें डिस्कवर हुई अगर हम उसमें बात करते हैं, तो हमें एक वुमेन डांसर की भी स्टैच्यू मिलती है, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ये डिस्कवर हुई थी 1926 में फ्रॉम मोहनजोदड़ो। साथ ही में हमें एविडेंस में टेराकोटा फिगरीन्स मिलती थी, जिससे हमें यह पता चलता था कि वो टॉयज की तरह यूज होती थी या फिर उससे बने ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप करने के लिए बाय कॉमन पीपल यूज होता था। नेक्स्ट, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो बात करेंगे वो है इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो एविडेंस से हमें ये पता चलता है ऐसे कई चीजें अनअर्थ हुई हैं, निकली हैं, जिसमें फीमेल गॉडेस की मूर्ति हमें मिली है। उनको मातृ देवी का नाम दिया गया है, मदर गॉडेस दैट इज। तो उनकी वर्शिप का हमें एविडेंस मिला है, पर हमें कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी चीज, जो इनके मेल डीटी थे, जो इनके मेल भगवान थे, उनको नाम दिया है पशुपति महादेव, और वो एक जो कि सिटिंग पोस्चर में है एज अ योगी, और उनके चारों तरफ जानवर हैं। कौन कौन से जानवर हैं ये नोट कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, बफलो है और दो डियर्स हैं जो कि उनके चरणों के पास, उनकी फीट के पास बैठे हुए हैं। ये जो गॉड हैं, जो मेल डीटी हैं, इनके थ्री हॉर्न्ड हेड दिखाया गया है इनका। और ये एविडेंस हमें मिला कहाँ से, ये हमें एक सील से मिला है, एक मोहर से मिला है। पशुपति महादेव द मेल डीटी, इनका नाम प्रोटो शिवा भी दिया गया है, दैट इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। एविडेंस से ये भी पता चलता है कि एनिमल वर्शिप और ट्री पेड़ों की वर्शिप भी प्रैक्टिस में थी। फायर ऑल्टर्स मिले हैं हमें कालीबंगन और लोथल से। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एविडेंस की वजह से कि स्वास्तिक, जो कि आज की तारीख में एक बहुत ही प्रेवलेंट सिंबल है, तो उसका ओरिजिन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को दे सकते हैं। तो अभी तक उससे पुराना एविडेंस स्वास्तिक का हमें कहीं नहीं मिला है, तो दैट इज द ओल्डेस्ट एंड वी कैन से दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल।
अब हम बात कर लेते हैं इनकी बरियल प्रैक्टिसेस की। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है, इसको आप समझ लीजिए। इनके टाइम में तीन टाइप के बरियल होते थे, एक कंप्लीट बरियल, एक पार्शियल बरियल और एक होता था पोस्ट क्रीमेशन बरियल। लोथल में हमें एक एविडेंस मिला है, उसमें ग्रेव में पेयर ऑफ स्केलेटन्स मतलब दो है, एक मेल है एक फीमेल है और वो एक सिंगल ही ग्रेव में बरिड है, तो इसको हम डबल बरियल के नाम से भी जानते हैं, इसको रेफर करते हैं। एक और कॉमन चीज़ जो हमने हर बरियल या ग्रेव साइट में देखा है वो ये है कि जो बॉडी होती थी उसको ऐसे प्लेस करते थे कि जो सर है वो नॉर्थ की तरफ होता था और साथ में वो ग्रेव में कुछ गुड्स रखते थे विच पोर्ट्रेज दैट दे बिलीव्ड इन अदर लाइफ। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेटलमेंट, ये सब था एक्सप्लेनेशन। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट हरप्पन सिटीज़ की बात करेंगे और कहाँ से क्या हमें मिला है ये हम आगे आपको बताएंगे। उसको प्लीज़ मिस कम मत करिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और इन केस अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं दूसरी तरीके से आप लोग को समझा दूँगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और मैं उसे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू ऑल।